मेरा एवरी से मोहम्मद ताहिर का आप सबको बहुत सारा सलाम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि न्यू फैंसियर बर्ड्स के लिए सीड ट्रेज लेने जाता है या वाटर ट्रेज लेने जाता है तो उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जस्ट लाइक मी, मैंने भी उनसे कहा कि बस एक सीडिंग पॉट्स दे दें और वाटर पॉट्स दे दें। उसके बाद फिर उसके साथ क्या बीतती है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक मेरे पास पेयर है, अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है और पार ब्लू का मेल है। दिन में कोई 4 दफ़ा मैं इनकी ट्रे पानी वाली जो है वो सीधी करता हूँ और पानी भरता हूँ, और कोई इतनी ही दफ़ा दाना जो है, ये देखें ट्रे में गिरा हुआ है, दाना जो है मैं इनका ट्रे में डाल के इस तरह दोबारा लगाता हूँ। ये देखें, ये सारे पॉट्स अपने उल्टे कर देते हैं। ये देखिए मैंने कट भी लगाए हुए हैं ताकि ये ग्रिल्स जो हैं इसके अंदर फंस जाएं। तो अब मुझे लगता है कि इसका कोई और ही हल निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जितने भी वाइट कलर की ऊपर इनके प्रोटेक्टर ट्रे लगी हुई हैं ताकि बर्ड जो हैं इसके अंदर ना जाएं, वो सारी निकाल के फेंक देते हैं। अब ये देखें, ये इसमें पानी डाला था मैंने 2 दफ़ा, ये सारा इसने ट्रे के अंदर गिरा दिया और ये इसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इस पेयर का भी यही हाल है। ये देखें वायर केजेस के ऊपर कितने सारे ताले, जैसे मज़ारों पे बांधे होते हैं मन्नतें मांगते, इसी तरह मैंने इसकी ग्रिल पे बांधे हुए हैं क्योंकि वायर केजेस के साथ वेट नहीं लगा होता। और इसके ऊपर मैंने एक ताला बांधा लेकिन कोई असर नहीं हुआ, दूसरा बांधा कोई असर नहीं हुआ, तीसरा बांधा कोई असर नहीं हुआ, इसी तरह 4 ताले मैंने मैक्सिमम बांध दिए वेट डालने के लिए लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। जो ये ग्रीन बर्ड है ये जो है बहुत ही एक्टिव है और ये ट्रे निकाल लेती है, हालांकि मैंने ये ग्रूव भी बनाए हैं ताकि ये वायर इसके अंदर फंस जाए और ये इसको उठा के तो फिर भी ट्रे अंदर खींच लेती है और उल्टा कर देती है। ये देखें, ये आज ही मैंने ट्रे साफ की थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये 2 दफ़ा इन्होंने अपना दाना जो है इसके अंदर फेंक दिया है और पानी की ट्रे अंदर खींच लेते हैं, तो इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ। इन 2 पेयर्स के लिए अब मुझे लगता है फीडर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता फीडर्स लगाऊं। ये जो अल्बाइनो रेड आई है ये इतनी सर्दी में भी इस कप के अंदर नहाती है, खुश होती है, तो अगर ये फीडर लगा दूंगा तो उसमें तो सिर्फ पानी शायद पिए, नहाएं तो नहीं, लेकिन खैर नहाने के लिए इनके पॉट का कोई इंतज़ाम करूँगा कि फिक्स इंतज़ाम हो जाए ताकि उसके अंदर जाए नहाए और पानी गिरे ना। लिहाजा अभी एक ये मुश्किल पेश आई है न्यू फैंसियर के साथ, तो मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा ही चीज़ लें, थोड़ी सी महंगी ले लें लेकिन आइंदा के लिए आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो मैं का ये एक अपडेट दे दूं कि जब भी परचेजिंग करें सोच समझ के करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें और देख के करें कि आया ये चीज़ आगे फिजिबल तो है। वक्ती तौर पे आप पैसे बचा लेते हैं लेकिन बाद में फिर आपको डबल पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो दूसरी चीज़ लेने के लिए, क्योंकि ये चीज़ भी आपकी वेस्ट हो जाती है और जो आप नहीं लेते हैं फिर वो उसके पैसे तो भरने ही पड़ते हैं। लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखें, कंसल्ट करें सीनियर्स के साथ कि कौन से पॉट्स लेने चाहिए ताकि बर्ड जो है दाना ज़ाया ना करें, या पानी के लिए फीडर की जगह क्या लगाएं कि बर्ड्स नहा भी लें और पानी भी पिएं लेकिन ट्रेज अंदर ना खींचें। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।